गाइस अगर आप भी अपने स्नैपचैट का पासवर्ड भूल चुके हो एंड आपको पता करना हो तो आप वन क्लिक में पता कर सकते हो। बट कैसे, आज के इस वीडियो के लिए मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो आज का ये वीडियो आपको आने तक जरूर देखना है, काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी हेल्पफुल भी होने वाला है। तो आज का ये वीडियो अपने यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करते हैं स्टार्ट। स्नैपचैट का पासवर्ड पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको शेयर कर देता हूँ। तो अपन चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। अच्छा देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी मेल्स है ना उसको आपको ओपन कर लेना। ओके, ओपन करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो अपनी मेल्स है ना उसका जो लोगो है ना उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना वन बार। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे गूगल अकाउंट का आपको फीचर्स देखने को मिल जाएगा। तो आपको कर देना यहाँ पे क्लिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो आपके पास में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देना, तो आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी का आपको फीचर्स देखने को मिल जाएगा। बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो आपके पास में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देना। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाओगे तो इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक नए फीचर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे पासवर्ड मैनेजर का। देन इसके नीचे आपको मैनेज पासवर्ड का आपको फीचर्स देखने को मिल जाएगा। बस आपको कर देना यहाँ पे क्लिक मैनेज पासवर्ड के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो आपके पास में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अपन को स्नैपचैट का पासवर्ड का पता करना है तो अपन को जो स्नैपचैट एप्लीकेशन है वो अपन को ढूंढ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्नैपचैट जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो अगर कोई भी पासवर्ड अगर मांगता है तो आपको दे देना। देन इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा पासवर्ड है वो मेरे सामने आ चुका है। बस आपको यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे पासवर्ड का आप पता कर सकते हो। ओके, अब देखो ये तो हो गई कि भाई इस प्रकार से आप पासवर्ड का पता कर सकते हो। अगर मान लीजिए जो आपका पासवर्ड है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर सेव नहीं है एंड अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता तो आपको पासवर्ड का कैसे पता करना है वो भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, स्टेप टू के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्नैपचैट एप्लीकेशन है ना उसी को आपको ओपन कर लेना। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्नैपचैट की जो आपकी लोगो है ना तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लिक। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे सेटिंग्स का आपको फीचर्स देखने को मिल जाएगा कॉर्नर के अंदर, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो आपके पास में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज ध्यान रखनी, जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको अटैच करके रखना है या फिर ईमेल आईडी भी आप अटैच करके रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पासवर्ड का आपको फीचर्स देखने को मिल जाएगा, तो आपको कर देना है यहाँ पे क्लिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो, अब देखो अपन को पासवर्ड तो याद है नहीं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को पासवर्ड को फॉरगेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉरगेट योर पासवर्ड आपको फीचर्स देखने को मिल जा रहा है, बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते तो आपके पास में यहाँ पे टू फीचर्स आ जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे मोबाइल नंबर यूज कर सकते हो या फिर ईमेल आईडी यूज कर सकते हो, तो दोनों में से यार एक चीज़ तो अपन को अटैच करके रखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर आपके सामने आ जाएंगे, देन आपको वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना। देन इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जो ओटीपी रहेगा वो अपने आप ओटीपी रिसीव कर लेगा। देन इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे ओटीपी रिसीव हो चुका है, इसके बाद में आपको न्यू पासवर्ड का आपको फीचर्स देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी न्यू पासवर्ड है ना वो आपको टाइप कर देना। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पे न्यू पासवर्ड में टाइप कर देता हूँ। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार वापस से मुझे पासवर्ड को सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मैं कर दूंगा इसको सेव। सेव करने के बाद में जो आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, यानी अब आपको पासवर्ड का पता लग चुका है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि स्नैपचैट का पासवर्ड का आपको कैसे पता करना है। देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर तो आप यहाँ पे गूगल अकाउंट के ऊपर जाके पासवर्ड का पता कर सकते हो, अगर वहाँ पे आपका पासवर्ड नहीं मिलता है तो सेकेंड स्टेप आप यहाँ पे स्नैपचैट के अंदर जाकर इस तरीके से पासवर्ड का पता कर सकते हो। यानी फुल्ली फाइनली आपको ये पता चल गया कि पासवर्ड को आपको इस प्रकार से पता करना है, यानी आपको पासवर्ड पता चल चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो पर ही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हर वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसे लगा, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर कर देना। एंड चैनल के ऊपर पहली बार आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफी नीड है सपोर्ट ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो प्लीज। ठीक है, बाकी भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम का यूजर नेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।